I feel like everything's so different now. Hello guys, Assalamualaikum, Namaste, this is your Parvez Khan, welcome to my YouTube channel. तो कैम छो, तो गाइज आज मैं आपको लेके आया हूँ सूरत की काफ़ी बेहतरीन जगह पे। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो ये है, देख सकते हो आप, ब्रिटिश लोगों का कब्रिस्तान। जैसे आप देख सकते हो ब्रिटिश सीमेंट्री जो बनी थी सूरत के अंदर, बनी थी 1861 में, हम लोग का पैदा भी नहीं होते तब। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ पे आने के लिए, तो आज फाइनली आ चुका हूँ। और मेरे साथ है, आप देख सकते हो, ओए कहाँ गया, मेरे साथ है वे, बोल, मैंने बोल दिया, मेरे साथ है ये भाई, यस भाई। तो हेलो गाइस, कैसे, मैं बहुत दिनों के बाद आया। एक्चुअली मुझे काम वाम था, बहुत बिजी था मैं, तो प्रवेश भाई अकेले ब्लॉग बना रहे थे, इस बार मैं आ गया हूँ। अभी कुछ नया होता है और करेंगे कुछ नया। गाइस इस कब्रिस्तान में हम लोग आए हैं, इसके बारे में आप नेट पर सर्च कर लेना, सूरत के अंदर ये जगह है ब्रिटिश सीमेंट्री करके, आप सर्च कर लेना। फुल डिटेल अगर हम लोग बताने जाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसके बारे में नेट पर सर्च कर सकते हो और हमको जितना पता है हम आपको बताएंगे। अंग्रेजों की कब्र सूरत, जो यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजों की कब्र सूरत, तो ये आप देख सकते हो, ये पीछे भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको इसके सिनेमेटिक वीडियो बताता हूँ, तो आप बताना कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं। और प्लीज़ गाइज, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो गाइज, हम लोग अंदर आ चुके हैं, अब हम आपको ये जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जगह की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर अप्रोक्स एक साथ 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को दफनाया गया था, जब सूरत व्यापार के अंदर सबसे बड़ा देश हुआ करता था। और इस जगह की शुरुआत होती है 1649 से। आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि जहाँ पर हम घूम रहे हैं, ये जो मैं जगह आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भी दफन है सैकड़ों लोगों की कब्रें, जो कि आप ये देख रहे हो। यहाँ पर घूमना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको मैं ये जगह एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि ये जगह खतरों से खाली नहीं होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बड़ी कब्रें भी और छोटी कब्रें भी है, तो इसका डिपेंड करता था कि उस समय में कौन सा इंसान की कितनी बड़ी पहुँचे, उस हिसाब से यहाँ पर उनकी कब्रें बनती थी। तो इधर आप देख रहे हो, यहाँ पर छोटी कब्रें हैं, ये जो है वो बड़ी कब्रें हैं, इस साइड आप देख सकते हो। तो आप ये जो जगह देख रहे हो, तो इस जगह पर हमारे भारत देश के अंदर डच और इंग्लिश जो अलग अलग लोग यहाँ पर व्यापार के पर्पज़ से आते थे, तो उस टाइम पर किसी बड़े व्यक्ति की डेथ हुआ करती थी, तो उस टाइम पर उनकी याद में यहाँ पर ये जो मकबरे बनाया करते थे वो लोग, जो आप ये देख रहे हो। तो यहाँ पर हम अंग्रेज़ों की अलग अलग प्रकार की कब्रें देखेंगे, जो कि आप ये देख सकते हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा मकबरा है, तो इसी के चलते इसके बाजू में भी एक, ये जो मकबरा आप देख रहे हो, इसकी भी डिज़ाइन काफ़ी शानदार है। और हम बात करते हैं कि इसके साथ में जो दूसरे छोटे छोटे मकबरे हैं, ये जो आप देख रहे हो सामने, एक वो बड़ा है, यहाँ पर जो छोटे छोटे मकबरे, इनकी डिज़ाइन काफ़ी शानदार है। तो चलो मैं आपको एक बार यहाँ का पूरा एरिया बता देता हूँ। गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी कब्रें हैं, और इनकी बनावट भी माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर पूरा कब्रिस्तान आप देख सकते हो। आज के टाइम में तो ऐसी कारीगरी शायद ही मिलेगी, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने जो कब्रें बनाई, आप देख सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया था कि 500 लोगों की यहाँ पर कब्रें हैं, तो आप ये सारी कब्रें देख सकते हो, छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, जिस इंसान की जैसी पोस्ट है उस हिसाब से यहाँ पर कब्रें बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ की कारीगरी माशाल्लाह, चलो मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ। तो 17वीं शताब्दी के ड्यूरेशन में हमारे भारत के अंदर जब अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा जमाया व्यापार पर्पज़ के चलते, तो उस समय यहाँ पर सर जॉन और क्रिस्टोफर नाम के जो व्यक्ति थे, उसी समय के सबसे प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, तो उन्हीं की याद में ये जो मकबरा बनाया हुआ है, जो आप सामने देख रहे हो, ये उन्हीं की याद में बना हुआ मकबरा है।
और इसी के साथ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एरिया में जो ये आपको छोटी छोटी कब्रें दिख रही है, तो ये कब्रें उस समय में जो उनके सिपाही हुआ करते थे, तो ये उनकी कब्रें हैं। जो आप ये पूरे एरिया में जो ये ग्रेवयार्ड है पूरा, उसमें आप जो छोटी छोटी कब्रें देख रहे हो, ये जहाँ पर मैंने हाथ रखा हुआ है, तो ब्रिटिश लोगों के चलते उस समय पर यहाँ के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, जिनका नाम था फ्रांसिस ब्रिटन, और जब उनकी मृत्यु हुई सन 1649 में, तो उनकी याद में ये वाला जो मकबरा आप देख रहे हो उसे कहते हैं सीमेंट्री। तो यहाँ बताया जाता है कि उनकी याद में ये जो मकबरा है वो बनाया गया। जो मकबरे के नीचे जो ये डिज़ाइन देख रहे हो, ये आप जो भी ये जो देख रहे हो, ये जो पिल्लर है, तो ये पिल्लर की बेस जो कि काफ़ी मजबूत है, और ये टोटल 10 पिलर है, और इनके अंदर जो डिज़ाइन देख रहे हो, ये डिज़ाइन सारे मकबरों में होती है। यहाँ के जितने मकबरे हैं सब में ये डिज़ाइन है। ये जो कब्र आप देख रहे हो, ये जो सिपाही, जो उनके जो सिपाही होते थे, जो खास सिपाही होते थे, ये कब्रें उनकी हुआ करती थी। इनमें जो नाम भी है उनका, तो ये कब्रें उनकी होती थी, जिस नाम से उनका नाम होता था ये कब्रें उनकी याद में बनाई जाती थी, जो उनके जो मेन प्रमुख हुआ करते थे। तो गाइज आपकी ये डिज़ाइन भी देख सकते हो, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है, और इसकी हाइट है जो सबसे अलग ही है, और इसकी जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अलग है। आप ये देख सकते हो, ये अलग ही तरीके से ये मकबरा बनाया हुआ है। और हम यहाँ की बात करें तो सर जॉन, जो उस समय के सबसे प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, तो 1669 के ड्यूरेशन में उनकी डेथ हुई, जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी याद में ये मकबरा बनाया गया था, जो कि इसे कहते हैं सीमेंट्री। जो आप ये देख सकते हो, तो इनके जो पिल्लर है ये काफ़ी मजबूत और काफ़ी बड़े लग रहे हैं, और ये गेट जो है वो अंदर से बंद है, हम अंदर जाके तो नहीं बता सकते आपको, बट गेट बंद था, लेकिन ये मकबरा उनकी याद में बनाया गया था सन 1669 के ड्यूरेशन में। और ये जो छोटी मोटी आप साथ में कब्रें देख रहे हो, ये उनके जो सिपाही हुआ करते थे, ये उनकी कब्रें हुआ करती थी। यहाँ पर भी आप ये देख रहे हो, देखो गाइस ये जो कब्र है ये उनकी याद में, इनका जो नाम होता था, तो किसी पर नाम होता था, किसी पर नाम नहीं होता था, तो ये उनकी याद में वो बनाया करते थे, जो मेन व्यक्ति होते थे उनके, जो प्रमुख हुआ करते थे। तो गाइस आप यहाँ पर जो कब्रें देख रहे हो, यहाँ पर कुछ छोटी कब्रें हैं और कुछ बड़ी कब्रें हैं। जो छोटी, एकदम ही छोटी कब्रें हैं, तो उन पर नाम नहीं लिखा रहा, जो आप सामने जो देख रहे हो वो जो कब्र है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये जो कब्र होती थी, ये जो सैनिक होते थे, तो सैनिक के ऊपर जो उनके प्रमुख होते थे ना, तो ये कब्रें उनकी याद में बनी हुई है। ये छोटी कब्रें जो एकदम छोटे लेवल के जो सैनिक होते थे, जिन पर कोई नाम नहीं है, कोई नंबरिंग नहीं है, कुछ कुछ पर नाम है, कुछ पर नाम नहीं है, और अब ये देख रहे हो इस पर नाम है, इस पर नाम नहीं है, और सामने आप देख रहे हो ये जो जाली के अंदर जो कब्र है, तो ये जो होते थे, जो इस एरिया के जो सैनिक होते थे, तो उनके ऊपर जो प्रमुख होते थे, तो ये कब्र उनके नाम से बनाई जाती थी, और ये उनकी याद में बनाई जाती थी, जो सैनिकों के जो प्रमुख होते थे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि इसी पूरे एरिया को ब्रिटिश कॉलोनिया कहा जाता है, जो पूरा ये ग्रेवयार्ड है, इस पूरे ग्रेवयार्ड को ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता है, जो कि ये बनी थी ब्रिटिश सरकार के अंडर में बनी थी। काफ़ी सारी यहाँ पर कब्रें बताई, लेकिन इसी से पता चलता है कि उस टाइम पे जो व्यक्ति का जो लेवल होता है, जो उनकी पोस्ट होती है, उसी साइज से उन्हें उसी हिसाब से उनकी कब्रें बनाई जाती थी। जैसे आप देख रहे हो ये छोटे छोटे पिल्लर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये 299 है, 285 है, तो ये जो सबसे छोटी पोस्ट के जो लोग हुआ करते थे उस टाइम पे, जो सैनिक होते थे, जो सबसे छोटे होते थे, तो उनको इस तरह सम्मान किया जाता था, एक छोटा पिल्लर लगा के, जैसे इस पे नंबर लिखा हुआ है 285, 290, 299, तो सारी कब्रें आप देख रहे हो यहाँ पर, तो उस हिसाब से जो छोटे छोटे पिल्लर यहाँ पर दिए हुए हैं, ये उन्हीं की पिल्लर है जो जिनका लेवल सबसे कम हुआ करता था उस टाइम पे, जिनकी पोस्ट सबसे कम होती थी। तो ये आप सब देख रहे हो यहाँ पे टोटल 500 से ज़्यादा कब्रें हैं, उनमें ये जो छोटे छोटे पोस्ट वाली जो कब्रें हैं, जिनका सिर्फ पिल्लर दिया हुआ है। तो चलो अब मैं आपको आगे के सीन बताता हूँ, आगे का वीडियो बताता हूँ। तो गाइज आप ये देख रहे हो,
जो ये कब्रें हैं ये बाकी कब्रों से काफी बड़ी लग रही है। तो इसी से पता चलता है कि ये उनके शायद राजा हो सकते हैं, क्योंकि बाकी आपने जो कब्रें देखी उनके सिपाहियों की, उनके जो वजीर होते थे उनकी, जो ये काफी छोटी और नॉर्मल थी। ये तीन, तो यहाँ पर आप ये जो तीन रेड फॉर्मेशन में जो मकबरे देख रहे हो ये बाकियों से यूनिक है, तो हम इसका मतलब ये तो नहीं लगा सकते कि ये किसकी है, लेकिन हम इन्हें देखकर ये पता जरूर लगा सकते हैं कि उस समय में जो इन लोगों का तबदा रहा होगा वो बाकियों से ऊपर रहा होगा। और ये ऊपर आप जो देख रहे हो इनके जो पिल्लर और इनके डिज़ाइन जो तीनों की सेम है, और इनके अंदर जो चार चार पिल्लर हैं वो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी बड़े हैं। तो यहाँ पर ये जो, और इसके पीछे जो ये दिख रही है आपको बीच में जो कब्र दिख रही है, ये उन समय के जो मेन हुआ करते थे ये उनकी थी। अब ये कौन थे हम इसका पता नहीं लगा सकते, लेकिन ये पता है कि उनका तबदा उस समय बहुत बड़ा रहा होगा। और ये उनके जो सिपाही की छोटी छोटी जो कब्रें हैं ये उनके अंडर में जो सिपाही आते थे ये उनकी कब्रें थी। तो ये जो तीनों है ये काफ़ी बाकियों से एकदम ही बेहतरीन है। तो गाइज आपको ये वीडियो शायद पसंद आया होगा, आप इस जगह पर फोटोशूट करवाने भी आ सकते हो। तो गाइज ये जगह काफ़ी अच्छी है, और तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और बताओ कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जगह आपको कैसी लगी। और जल्दी से तुम्हारे भाई के सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि जल्द से जल्द मैं आपको और नई नई प्लेस बता सकूँ। और कमेंट बॉक्स में बताना गाइज कि आपको ये जगह कैसी लगी और आपको नेक्स्ट जगह कौन सी देखनी है। तो गाइज जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना।